हेलो गाइस, आई एम सौम्या सोनी एंड यू आर वॉचिंग न्यू एरा ऑनलाइन कोचिंग। गाइस, आप सबको पता है कि जेईई मेन 2019 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो गया है, उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो बहुत सारे बच्चों ने कुछ बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया है अपना, लेकिन बहुत सारे बच्चों को भी नहीं पता है कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, क्या स्टेप बाई स्टेप उनको फिल करना है जिससे कि उनसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो आपकी हेल्प करने के लिए अभी मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताऊंगी कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है जिससे कि आप कोई गलती ना करें और आपको ये भी पता चल पाए कि किस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से फिल कर सकते हैं। सो गाइस, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं अभी IIT BHU में एक सीनियर अंडर ग्रेजुएट हूँ एंड आपको मेरा नाम पता ही है, सौम्या सोनी। तो मैं इस फॉर्म को दोबारा से तो फॉर्म को फिल कर नहीं सकती, जेईई मेन के लिए अप्लाई कर नहीं सकती, तो मैं एक सैम्पल फॉर्म फिल करके बताऊंगी। मीन्स मैं आपको इमेजनरी नेम लेके और इमेजनरी डिटेल्स लेके आपको फिल करके बताऊंगी, तो आप देख सकते हैं कि कैसे फॉर्म को फिल करना है। तो गाइस, जो वेबसाइट है वो है jeemain.nic.in, लेकिन अभी मैंने आपके सामने NTA की वेबसाइट खोली हुई है। तो अगर आप NTA की वेबसाइट में जाएंगे तो यहाँ से भी आप अगर क्लिक करेंगे इस पर JEE वेबसाइट रजिस्ट्रेशन पे, तो आप jeemain.nic.in इस वेबसाइट पे आप पहुँच जाएंगे। गाइस, आप यहां से भी इस वेबसाइट पे पहुंच गए हैं। अगर आपको NTA की वेबसाइट नहीं खोलना, डायरेक्टली जाना है, तो आप क्या कीजिए, गूगल पे जाइए और वहां पर आप jeemain.nic.in इसको टाइप करेंगे और आप वेबसाइट पे जा सकते हैं वहां से। तो वहां पर भी आप देख सकते हैं jeemain की वेबसाइट पे आप पहुँच गए हैं। देखिए, ये आपकी जेईई मेन की वेबसाइट आ चुकी है, jeemain 2019 की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप करंट इवेंट्स में बहुत सारे देख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, पब्लिक नोटिस, नोटिस ऑन डेट एंड सेफ और NTA की जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर है उसको आप देख रहे हैं। सो गाइस, आपसे मैं पहले कहूँगी कि फॉर्म भरने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इन सबको एक बार ओपन करके देख लीजिए। कुछ नहीं तो एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन जो बुलेटिन है उसको आप ओपन करके देख लीजिए। मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को ओपन करके रखा हुआ है। तो आप क्या कीजिए, अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं पढ़नी है तो डायरेक्टली आप जंप कर जाइए 5.3 पे। 5.3 पे आपको मिलेंगे इंस्ट्रक्शंस फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। तो इसके लिए भी ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पे आ चुकी होगी अभी तक, जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी उससे पहले, या फिर नहीं आई होगी तो एक आध दिन में आपको मिल जाएगी। तो इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑनलाइन अप्लाइंग ऑनलाइन, इसके आप पूरे इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। आप देख सकते हैं 5.3, फिर 5.4, एप्लीकेशन का क्या फॉर्मेट है, ये दोनों आप देख सकते हैं। सो गाइस, इसमें इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मैं पहुंच जाती हूँ फिर से जेईई मेन की वेबसाइट पे। यहाँ पर लिंक दी हुई है आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 simple steps to apply online। सबसे पहले हमें क्या करना है, फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। फिर हमें सेकेंड स्टेप में करना है अपलोड स्कैन इमेजेस। उसके बाद हमें करना है पे द एग्जामिनेशन फी। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ अप्लाई फॉर जेईई मेन 2019। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिए अच्छे से। मैंने ऑलरेडी इन सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर मैं आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द इंस्ट्रक्शन, इस पर आप क्लिक कर लीजिए एंड मैं प्रोसीड करती हूँ प्रोसीड टू अप्लाई ऑनलाइन। गाइस, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो एक नया पेज खुल गया है। तो इसमें मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे अपनी डिटेल्स को फिल करना है। तो ये पूछ रहे हैं स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, तो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है, आपको ये फिल करना है। अब स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी के आगे आप देख लीजिए क्वेश्चन मार्क है, उसके आप ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है कि स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी मीन्स द कोड ऑफ द स्टेट फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट हैज़ पास्ड क्लास 12th और इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। मीन्स जिस स्टेट से आपने क्लास 12th का एग्ज़ाम पास किया है वही आपको फिल करना है। और इसमें सेकंड दिया हुआ है कि अगर किसी ने क्लास 12th पास किया हुआ है वन स्टेट से बट अपीयर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट फ्रॉम अनदर स्टेट, तो जो उसका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी होगा वो कौन सा होगा, फ्रॉम वेयर सी हैज़ ओरिजिनली पास्ड क्लास 12th और इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड नॉट द स्टेट फ्रॉम वेयर सी ही हैज़ अपीयर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने इम्प्रूवमेंट दिया है तो जहाँ से आपने इम्प्रूवमेंट दिया, जिस स्टेट से, आपको वो नहीं होगा,
आपका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी वो होगा जहाँ से आपने ओरिजिनली मतलब सबसे पहले जो आपने 12th का एग्जाम दिया था वो वाला होगा, इम्प्रूवमेंट वाला नहीं होगा। और भी आपके पास लिखा हुआ है, तीसरा इंस्ट्रक्शन है इंडियन नेशनल्स पासिंग द इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट अब्रॉड। अगर वो विदेश से कर रहे हैं क्वालिफाई मतलब 12th पास कर रहे हैं या फिर कोई और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो द स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंट एड्रेस इन इंडिया एज गिवन इन पासपोर्ट ऑफ द कैंडिडेट। तो जो आपका परमानेंट एड्रेस होगा उससे पता चलेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी आपको कैसे भरना है। सो गाइस मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेती हूँ, मैं ये सैम्पल फॉर्म फिल करके बता रही हूँ, मैं अपने लिए फॉर्म फिल नहीं कर रही हूँ, सैम्पल फॉर्म फिल कर रही हूँ। सो गाइस जैसे मैं यूपी से हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद इसमें लिखा स्टेट वेयर क्लास 12th एंड आई मीन्स वो ये पूछ रहे हैं जहाँ पर मेरा 12th क्लास का स्कूल लोकेटेड है वो कौन सा स्टेट है, वो भी उत्तर प्रदेश है। तो मैंने यहाँ से उत्तर प्रदेश फिल कर लिया। नाउ सेलेक्ट आइडेंटिफिकेशन आईडी टाइप। तो यहाँ पर आप बहुत सारे टाइप फिल कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक आधार नंबर आईडी या फिर आधार एनरोलमेंट नंबर या फिर स्टूडेंट आईडी जो आपकी है, पासपोर्ट, फिर रेशन कार्ड, फिर बैंक अकाउंट या फिर अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी या फिर वोटर आईडी, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है तो यहाँ से आप आधार नंबर को ही सिलेक्ट कीजिए। तो मैंने आधार नंबर सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसमें अपना आधार नंबर फिल कर देती हूँ। तो चलिए मैं अपना आधार नंबर फिल कर देती हूँ। तो गाइस मैंने अपना आधार नंबर फिल कर लिया। अब कैंडिडेट्स नेम, अब कैंडिडेट्स नेम में हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर JEE की मैं एक सैम्पल उन्होंने लिया हुआ कमल सिंह नाम का, तो मैं भी अपना जो नेम है वो कमल सिंह फिल कर देती हूँ। अब इसमें लिख के आ रहा है कि कैंडिडेट्स नेम मस्ट बी एग्जैक्टली द सेम एज रजिस्टर्ड इन क्लास 12th इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो क्लास 12th में जो आपका रजिस्टर्ड है नेम वही आपका सेम नेम यहाँ पर आपको फिल करना है। नाउ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ मैंने कोई भी मान लिया, लेट अस सपोज कोई भी 8 डे सेलेक्ट कर लिया, मंथ मैंने मान लिया मे, एंड ईयर मैंने मान लिया सपोज ईयर है 2003। ओके नाउ जेंडर मेल सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मैं कमल सिंह के लिए फॉर्म फिल कर रही हूँ। अब नाउ ये बोल रहे हैं कि एंटर सिक्योरिटी पिन, जो आपको सिक्योरिटी पिन दिया हो उसको एंटर कर दे, उसको फिल कर देते हैं। नाउ सबमिट। गाइस जैसे ही मैंने सबमिट किया तो ये मुझे दूसरे पेज पे ले गए हैं। अब दूसरे पेज पे मुझे अपनी बहुत सारी डिटेल्स फिल करनी है, लाइक फादर्स नेम, मदर्स नेम। तो ये जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्मेट में आप जब जाएंगे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सब कुछ डिटेल्स आपको दी हुई है कि आपको डिटेल्स कैसे फिल करना है, मदर्स नेम के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, फादर्स नेम के लिए ये कैटेगरी, ये पर्सन विद डिसेबिलिटी, एंड ये सब आपको दिया हुआ है ऑलरेडी। तो आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ लीजिएगा भरने से पहले। तो मैं फिल करना स्टार्ट करती हूँ। फादर्स नेम मैं कोई भी फादर नेम मतलब कोई भी भर देती हूँ क्योंकि मैं सैम्पल कर रही हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज कमल सिंह के फादर का नाम हो गया राम सिंह, ओके। एंड मदर्स नेम मैंने ले लिया रिया सिंह, एंड जेंडर ऑब्वियसली मेल ऑलरेडी सेलेक्ट किया तो डेट ऑफ बर्थ इज तो है। कैटेगरी मैंने मान लिया कैटेगरी इज जनरल, अगर आपकी कैटेगरी जनरल नहीं है तो आप दूसरा कोई भी ले सकते हैं, एससी एसटी और ओबीसी एनसीएल। अब इसमें लिखा हुआ है फॉर ओबीसी एनसीएल वहाँ पर अदर बैकवर्ड जो क्लासेस हैं उनके लिए, और उन्होंने लिखा हुआ है एज पर द सेंट्रल लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस अवेलेबल ऑन अवेलेबल ऑन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। मीन्स वो ये कह रहे हैं कि उनकी वेबसाइट है ncbc.nic.in, वहाँ पर आप जाके आप चेक कर सकते हैं क्या आप ओबीसी एनसीएल के अंदर आते हैं या नहीं आते हैं। और स्टेट लिस्ट ओबीसी कैंडिडेट्स हु आर नॉट इन ओबीसी एनसीएल सेंट्रल लिस्ट मस्ट चूज जनरल। मीन्स वो कह रहे हैं कि जो सेंट्रल की लिस्ट में नहीं है तो वो जनरल सेलेक्ट करेंगे। ओके तो गाइस आप इसको इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिए। नाउ पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप PWD कैटेगरी में आते हो तो यस सेलेक्ट करिए, नहीं आते तो नो, मैंने नो सेलेक्ट कर लिया। नाउ आर यू डायबिटिक, नो। नेशनैलिटी, नेशनैलिटी ऑब्वियसली इंडियन, अगर आप फॉरेन में रहते हैं तो आप दूसरी भी कोई सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ प्लेस ऑफ रेजिडेंस, तो प्लेस ऑफ रेजिडेंस आपका रूरल है या अर्बन है, मैंने अर्बन सेलेक्ट कर लिया। नाउ यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स हैं गाइस, तो आपको पूरी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी।
मैं एक एक डिटेल्स भर देती हूँ। फिर नाउ अप्लाइंग फॉर, तो अप्लाइंग फॉर आप जेई मेन पेपर वन, पेपर वन में जो BU BTech का होता है, मीन्स जो आपका IIT में, सॉरी जो आपका NIT IIIT इन सब में एडमिशन लेने के लिए, जो आप BTech के लिए एडमिशन लेने के लिए जो पेपर होता है वो पेपर वन होता है। अगर आप BR के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं दैट इज़ पेपर टू, और अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो दैट इज़ पेपर वन एंड पेपर टू बोथ। तो अगर मेरा मन है कि सिर्फ मैं जेई मेन पेपर वन के लिए अप्लाई करती हूँ तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। नाउ मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर कोई मोड ऑफ एग्जामिनेशन में कोई ऑप्शन नहीं, ओनली एक ही ऑप्शन है, वो क्या है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो मैंने उसे भी सिलेक्ट कर लिया। नाउ फर्स्ट चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी, अब वो मुझसे पूछ रहे व्हाट इज़ योर फर्स्ट चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटी। मैं अभी वाराणसी में हूँ तो मैं लिख देती हूँ वाराणसी, आ गया वाराणसी उत्तर प्रदेश। नाउ सेकेंड चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटी, अब वाराणसी के पास कौन सी सिटी है, लेट्स सपोज मैं लिख देती हूँ गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ऐसी आप चार सिटी मतलब अपनी चॉइस दे दीजिएगा, तो फर्स्ट चॉइस आप वहीं दीजिएगा जहाँ पर आप चाहते हैं कि आपको सेंटर मिले, वो आपकी नियरेस्ट सिटी हो सकती है। फिर सेकंड चॉइस वो दीजिएगा जो आपकी सिटी से पास में हो, ऐसी सिमिलरली थर्ड चॉइस फोर्थ चॉइस अपने आप से दे दीजिएगा। मैं आप थर्ड चॉइस फोर्थ चॉइस कोई भी भर लेती हूँ क्योंकि मैं तो सैम्पल आपको दिखा रही हूँ भर के, लेट्स सपोज कोई भी भर लिया मैंने, ओके दिस इज अहमदाबाद मैंने ले लिया, डजेंट मैटर। क्वेश्चन पेपर मीडियम, अब क्वेश्चन पेपर मीडियम आपको क्या चाहिए, अब यहाँ पर तीन हैं हिंदी गुजराती और इंग्लिश, तो मुझे इंग्लिश चाहिए तो मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। नाउ गाइस कंट्री हम देख रहे हैं, तो कंट्री ऑब्वियसली इंडिया से भरा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो डिस्ट्रिक्ट वाराणसी। नाउ एड्रेस, एड्रेस आपसे पूछ रहे हैं तो आप अपना एड्रेस कुछ भी फिल कर दीजिए, मैं यहाँ पर कुछ भी फिल कर रही हूँ क्योंकि मैं सैम्पल दिखा रही हूँ। लोकेलिटी मैंने कोई भी भर दिया, सिटी टाउन विलेज वाराणसी, पिन कोड आ गया 221005, ईमेल एड्रेस, तो मैं गाइस अपना ईमेल एड्रेस भर, हाँ ईमेल एड्रेस आप बिल्कुल ध्यान से भरिए, जो आपका ईमेल एड्रेस आपके पास है वही आप भरिए, क्योंकि अगर आपने कोई गलत ईमेल एड्रेस भरा या फिर आप भूल जाती ईमेल एड्रेस या फिर आपको उसका पासवर्ड भूल जाते तो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपकी ईमेल एड्रेस पे आएगी और आपके फ़ोन नंबर पे आएगी। तो गाइस यहाँ पर मैंने अपना ईमेल एड्रेस भर दिया और ये ऑटोफिल सेटिंग्स की वजह से मैंने मेरा फ़ोन नंबर भी ऑलरेडी भर गया है गाइस। अब इसके बाद ये पूछ रहे हैं कि कोई और कॉन्टैक्ट नंबर है क्या, तो कोई और कॉन्टैक्ट नंबर मैं भर देती हूँ, लेट्स सपोज मैंने अपने फादर का कॉन्टैक्ट नंबर भर दिया, और ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर मैं फिर से आपसे बोल रही हूँ ये आप ध्यान से भरिएगा, जो ईमेल आईडी आप यूज करते हैं रेगुलरली, जिसका पासवर्ड आपको पता है या फिर जो आपके फ़ोन में लॉगिन है वही ईमेल आईडी दीजिएगा, और फ़ोन नंबर भी जो आपका चालू हो और जो आप बंद नहीं होने वाला हो वही आप फिल कीजिए, क्योंकि मैसेज और ईमेल आपके इसी पे आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये पूछ रहे हैं ईयर ऑफ पासिंग क्लास 12th और इट्स इक्विवेलेंट, तो आप अगर जेई मेन 2019 में दे रहे हैं तो मैं लिख देती हूँ कि मैंने 2017 में पास किया है, ओके। नाउ स्कूल बोर्ड ऑफ क्लास 12th क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो मैं लिख देती हूँ सीबीएसई, ओके। नाउ नेम ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन पास्ट अपीयरिंग, तो दिस इज यहाँ पर ऑप्शन दिया होगा द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द 10+2 सिस्टम कंडक्टेड बाय एनी रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड बोर्ड सेकंड, ये तो मैंने लिख दिया द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द 10+2 सिस्टम, तो अगर 12th है मेरा तो मैंने वही लिख दिया है। अब लिख रहे हैं कि प्लेस ऑफ क्लास 12th क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्कूलिंग, तो वो क्या सिटी है, टाउन है या विलेज है, तो मैं सिटी सेलेक्ट कर लेती हूँ। नाउ ईयर ऑफ पासिंग और अपीयरिंग क्लास 12th क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो मैं 2019 में अगर अपीयर होने वाली हूँ तो मैं 2019 सेलेक्ट कर लिया। अब टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ क्लास 12th क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या है, गवर्नमेंट या प्राइवेट, मैंने गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लिया। मोड ऑफ प्रिपरेशन, आपने सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन किया है या इंडिविजुअल ट्यूशन से किया या कोचिंग से किया या फिर करस्पॉन्डेंस कोर्सेज या अदर्स से, तो मैं लिख देती हूँ कि मैंने सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन किया है। नाउ नेम ऑफ द स्कूल कॉलेज फ्रॉम वेयर पास्ट अपीयरिंग, तो उसका नेम लिखना है, तो मैं तो ऐसे सैंपल कर रही हूँ तो मैं कोई भी भर देती हूँ, डजेंट मैटर। नाउ एड्रेस ऑफ द स्कूल कॉलेज फ्रॉम वेयर पास्ट अपीयरिंग, तो उसका एड्रेस भरना है,
सो मेरा एड्रेस इसमें आ गया है, IIT BHU। ये गाइस मैं इसके अलावा कोई भी एड्रेस भर देती हूँ क्योंकि मुझे इससे मतलब नहीं है, मैं सैंपल आपको बता रही हूँ। नाउ गाइस इसके बाद पूछ रहे हैं गार्जियन की डिटेल, तो फादर्स गार्जियन सेलेक्ट, तो ये इलिटरेट मैट्रिकुलेट ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट अदर्स, तो मेरे पापा पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट सेलेक्ट कर लेती हूँ। नाउ ऑक्यूपेशन क्या है, सो माई फादर्स ऑक्यूपेशन इज़ टीचिंग एंड रिसर्च। ओके नाउ एनुअल इनकम सेलेक्ट करनी है, तो एनुअल इनकम आपकी जितनी भी हो मतलब आपके फादर की सेलेक्ट है, तो मैं कोई भी सिलेक्ट कर दूँ रैंडमली, मुझे मतलब नहीं है, सेलेक्ट कर लिया ये, ठीक है। अब मदर्स, मदर इज़ ऑलरेडी ग्रेजुएट सेलेक्ट, ये पता करना है कि वो किस में, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है। तो अगर आपकी मदर का जो भी ऑक्यूपेशन है आप देख लीजिए, अगर आपकी मदर या फिर अदर्स, अगर इनमें से आपको कोई नहीं है तो आप अदर्स सेलेक्ट कर लीजिए। नाउ एनुअल इनकम, एनुअल इनकम अगर आपकी मदर की कोई इनकम नहीं है मतलब, तो आप अप टू वन लैख उसको सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो फिर आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नाउ ये इस है चूज योर पासवर्ड, तो आपको पासवर्ड सेलेक्ट करना है, तो पासवर्ड के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पासवर्ड शुड बी 8 to 13 करेक्टर लॉन्ग, मीन्स वो उसकी जो लेंथ है वो 8 to 13 करेक्टर होनी चाहिए। और सेकेंड है पासवर्ड शुड हैव एटलीस्ट वन अपर केस अल्फ़ाबेट, कोई एक अपर केस अल्फ़ाबेट होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, एटलीस्ट वन लोअर केस, और पासवर्ड शुड हैव एटलीस्ट वन न्यूमेरिक वैल्यू और एक स्पेशल करेक्टर होना चाहिए। तो इन सब के कॉम्बिनेशन से पासवर्ड आपको बनाना है। तो जैसे सपोज़ कि मैं कोई भी अपना पासवर्ड सेलेक्ट कर लेती हूँ, जैसे मैंने एक अपर केस ले लिया, एक लोअर केस ले लिया, मैंने नंबर भी ले लिए और मैंने स्पेशल सिंबल भी लिए हैं। ये कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड बोथ मस्ट बी सेम। सिक्योरिटी क्वेश्चन, जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो सिक्योरिटी क्वेश्चन की ये इंपॉर्टेंस है कि जब भी आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो आपको पासवर्ड रीसेट करना हो तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देके भी अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं लाइक विच इज़ द वेबसाइट यू रेयरली विजिट, वॉट प्लान यू लाइक और डिसलाइक, वॉट इज़ योर नेबर पेट नेम, वट इज़ द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर फर्स्ट व्हीकल, विच बुक डू यू लाइक। तो मैं इसमें से लिख लेती हूँ विच इज़ द वेबसाइट यू रेयरली विजिट, तो मैंने ये ले लिया। अब कौन सी वेबसाइट है जो मैं रेयरली विजिट करती हूँ, तो भाई मैं IIT BHU की वेबसाइट रेयरली विजिट करती हूँ, मैं लिख देती हूँ IIT BHU। ओके ये मेरा आंसर हो गया। नाउ एंटर सिक्योरिटी पिन, केस सेंसिटिव, तो सिक्योरिटी पिन जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है वही आपको भरना है, जल्दी से भर देते हैं। 2 4 6 7 8 कैपिटल C। नाउ अब ये बोल रहे हैं कि सबमिट एंड रिव्यू करने के लिए या फिर आपको फिर से आपको वैल्यूज़ भरनी है। मैं सबमिट एंड रिव्यू पे क्लिक करती हूँ, आप देख लीजिए दोबारा से आपकी ने सही भरी है कि नहीं। अब वो बोल रहे हैं डू यू वॉन्ट गूगल क्रोम टू सेव योर पासवर्ड फॉर दिस साइट, नो नेवर। कभी भी आप कहीं से भी फॉर्म फिल कर रहे हैं कभी भी पासवर्ड को आप सेव मत कीजिए, क्योंकि आपने पासवर्ड को सेव किया आप साइबर कैफे पे गए तो वो वहाँ से आपका एप्लीकेशन नंबर, आप एप्लीकेशन में कुछ भी चेंज कर सकते हैं और फिर वो आपके लिए सही नहीं होगा। तो कभी भी यहाँ पर सेव न मत कीजिए, नेवर पर क्लिक कीजिए। नाउ यहाँ पर लिख के आ रहे हैं प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन एंटर यू मे डू सो बाई प्रेसिंग एडिट क्रेडेंशियल बटन और प्रेस फाइनल सबमिट बटन फॉर फाइनल सबमिशन। मतलब आपको अगर चेंज करना है तो एडिट कर लीजिए, अगर नहीं चेंज करना तो फाइनल सबमिट कर लीजिए। अब यहाँ पर आप प्रिंट भी कर सकते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा। लेट सपोज मुझे प्रिंट करना है तो क्लिक हेयर टू प्रिंट, नाउ मैं इसे सेव कर लेती हूँ। सेव, ओके डेस्कटॉप में सेव कर दिया। गाइस मैं आपको पूरा देख लेती हूँ कि मैंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरी हुई है, अच्छे से मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन को देख लिया है। नाउ गाइस इसमें लिखा हुआ है काइंडली वेरीफाई ऑल द पैरामीटर लिस्टेड बिलो वेरी केयरफुली, वंस सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली नो ऑप्शन विल बी प्रोवाइडेड फॉर करेक्शन इन एनी पैरामीटर्स।
तो उसमें मैं लिख रही हूँ आई हैव वेरीफाइड माई नेम, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ मैंने वेरीफाई अपना कर लिया है, देख लिया है। आप ध्यान से देखिएगा अपने सब कुछ ना। आप आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा और सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। डू यू वॉन्ट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली? यस प्लीज डू। गाइस अब मुझे एप्लीकेशन नंबर मिल गया अपना, दिस इज़ माई एप्लीकेशन नंबर। तो इस एप्लीकेशन नंबर को मुझे ध्यान से नोट कर लेना है, तो इसकी मैं फ़ोटो ले लेती हूँ जिससे कि मैं इसको भूल ना जाऊँ। तो मैंने इसकी फ़ोटो ले लिया, आप किसी कॉपी पे भी नोट कर लीजिए। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको बाद में क्या कर सकते हैं कि आप एप्लीकेशन नंबर से और जो आपका पासवर्ड है उससे लॉग इन कर सकते हैं और आगे के स्टेप आप कर सकते हैं, या फिर जब करेक्शन के लिए आपका आएगा ऑप्शन तब भी आपको एप्लीकेशन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। आगे आपका जब तक एडमिशन नहीं हो जाता आपको एप्लीकेशन नंबर की ज़रूरत कहीं भी पड़ सकती है। ठीक है गाइस, अब ये बोल रहे हैं कि अपलोड स्कैन इमेजेस, तो इसमें लिखा हुआ है कि स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर शुड बी इन JPG एंड JPEG फॉर्मेट, तो इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। साइज ऑफ स्कैन फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 10 KB टू 2000 KB, इसका फोटोग्राफ का साइज होना चाहिए 10 KB टू 2000 KB, और साइज ऑफ स्कैन सिग्नेचर शुड बी बिटवीन 4 KB टू 30 KB, तो ये लिखा हुआ है। सो गाइस मैंने एक सैम्पल के लिए ले लिया एक फ़ोटोग्राफ किसी का भी, तो ये सैम्पल फोटोग्राफ है मेरा। इस पर मैं आपको साइज को चेक करना है, तो कैसे साइज को चेक करते हैं, इस पर आप प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे गाइस तो आपको पता चल जाएगा साइज इसका। तो जो मैंने सैम्पल फोटोग्राफ लिया उसका साइज़ कितना है 28.5 KB। ओके, तो अगर ये साइज़ मुझे कितना चाहिए था आपने देख लिया था, वो चाहिए था मुझे 10 KB टू 200 KB, तो ये ऑलरेडी 10 KB टू 200 KB के बीच में है। इफ़ इन केस आपका नहीं है, आप उसको चेंज करना चाहते हो, तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं मैं उसको बता देती हूँ। सो गाइस आप, मैं देख लेती हूँ कि सिग्नेचर का कितना साइज़ है, अगर सिग्नेचर का साइज़ नहीं होगा तो उसको मैं रिसाइज करके बताऊँगी, तो आप सिमिलरली आप फोटोग्राफ को भी कर सकते हैं अपने। हाँ, इसमें एक और ध्यान दीजिए कि जो आपका फ़ोटोग्राफ है उसमें दिया हुआ है कि इट शुड बी लाइक दिस, कि आपका ये फ़ोटोग्राफ है यहाँ पर कमल सिंह नाम लिखा है, उसके नीचे डेट लिखा है, तो उसके नीचे आपका नाम भी लिखा होना चाहिए क्लियरली, जिस डेट को आपने फ़ोटोग्राफ लिया है वो डेट भी लिखा होना चाहिए। और इसमें लिखा हुआ है कि जो फ़ोटोग्राफ है वो ब्लैक एंड वाइट भी हो सकती है या फिर कलर्ड भी हो सकती है, ठीक है। और इसमें लेकिन क्लियरली जो नेम और डेट मेंशन होना चाहिए, एंड इसमें लिखा है कि कैप नहीं पहनना चाहिए आपको फ़ोटोग्राफ में, मतलब विदाउट कैप होनी चाहिए और गॉगल्स, लेकिन स्पेक्टिकल्स आर अलाउड, अगर आप चश्मा पहनते हैं तो आप पहन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इसमें लिखा है पोलराइड फोटोज़ आर नॉट एक्सेप्टेबल, एंड गाइस आप पूरा इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। और वो बोल रहे हैं कि जो आपने फ़ोटोग्राफ अपलोड करने वाले हैं तो उसकी 6 to 8 आइडेंटिकल फ़ोटोग्राफ्स आप अपने पास रख लीजिए, जब बाद में आपके काम में आएगी, जब आप मतलब फॉर्म सॉरी जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तब आपके काम में आएगी, फिर आगे आप जब आपका एडमिशन होगा उसके पहले आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, आगे बहुत सारी जगह काम में आ सकती है फ़ोटोग्राफ। तो मैं आप इसमें लिखा हुआ है कि 6 to 8 फ़ोटोग्राफ को आप रख लीजिए। मैं कह रही हूँ 6 to 8 क्यों, आप 15 to 20 अपने पास रख लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नाउ गाइस इसमें ये हो गया, एक तो ये इस तरह से होना चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ है नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि फाइल साइज़ तो 10 KB टू 2000 KB तो फ़ोटोग्राफ की मेरी है। अब फोटोग्राफ मैंने किस तरह से आपने बना लिया है आप देख लीजिए, एक सैम्पल फोटोग्राफ है मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज़ लाइक, इसमें मैंने नीचे नाम लिख दिया कमल सिंह, जैसे कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ था, और उसमें डेट भी लिख दिया है। तो गाइस आप इसको देख सकते हैं स्क्रीन पर। और सिग्नेचर, तो सिग्नेचर उसमें लिखा हुआ कि सिग्नेचर शुड बी इन रनिंग हैंड, और उसकी जो डायमेंशन है वो डायमेंशन कितनी होनी चाहिए 3.5 cm विड्थ एंड 1.5 cm हाइट। तो मैं अपनी फ़ोटो को 3.5 cm और 1.5 cm में रिसाइज करना चाहती हूँ, तो कैसे रिसाइज करूँगी, तो इसके लिए मैं इसको क्या करती हूँ क्लिक करके ओपन विथ, तो मैं ओपन विथ कर लेती हूँ इरफान व्यू। मैं मेरे पास एक इरफान व्यू सॉफ्टवेयर है जिससे कि रिसाइज हो जाता है, आप चाहें तो आप उसको मतलब डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, आप इससे रिसाइज कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर मैं जाऊँगी इमेज, इमेज पे ऑप्शन है रिसाइज का और रीअसेंबल का, तो यहाँ पर मुझे विड्थ रखनी है 3.5 cm। अब देखिए यहाँ पर यूनिट्स पिक्सल में भी हैं,
सेंटीमीटर में भी हैं, इंचेस में भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपको डायमेंशन दी हुई थी आप फिर से देख सकते हैं, दैट इज़ 3.5 सेंटीमीटर × 1.5 सेंटीमीटर। तो आप सेंटीमीटर में यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, मैंने सेंटीमीटर सेलेक्ट कर लिया और अभी ओरिजिनल का है 35.76, मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 3.5 × 1.5 × 1.5। तो मैंने इसको रिसाइज कर दिया। ओके, जब रिसाइज किया तो मैं फाइल को सेव करती हूँ और देखती हूँ कि इसका फाइनली साइज कितना बनता है। तो सेव एज सिग्नेचर फाइनल नाम, अब मैं लिख देती हूँ सिग्नेचर फाइनल, फाइनल नाम से। अब जब आप सेव कर रहे हो तो सेव एज टाइप, तो इसमें ऑलरेडी जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से वही सिलेक्ट करेंगे जेपीजी, बहुत सारे फॉर्मेट होंगे लेकिन आपको सिलेक्ट करना है जेपीजी एंड जेपीजी। नाउ इसको मैं सेव कर देती हूँ अपना डेस्कटॉप पे, सेव। नाउ गाइस मैं देख लेती हूँ अपने डेस्कटॉप पे जो सिग्नेचर नाम की जो नई फाइल है, इसको अगर मैं प्रॉपर्टीज़ में जाती हूँ तो इसकी साइज़ हो गई है 5.4 KB, और पहले जो इसकी साइज़ थी, पहले इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा थी, मैं आपको दिखा नहीं पाई, तो किसी गलती से नहीं दिखा पाई, लेकिन गाइस अभी आप देख सकते हैं कि इसकी साइज़ हो गई 5.4 KB, और जो उसमें डिजायर्ड साइज़ है वो भी होना चाहिए 4 to 30 KB के बीच में। इसको ओपन करके आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं 3.5 और 1.5 सेंटीमीटर का हो गया है। अगर इफ़ इन केस आपकी साइज मतलब आप इसको रिसाइज करते हैं 3.5 सेंटीमीटर × 1.5 सेंटीमीटर और उसके बाद भी ये 4 and 30 KB के बीच में नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? तो जैसे कि मैंने ये इरफान व्यू में लिया हुआ है, यहाँ पर आप इस फाइल को जब आप सेव करते हैं तो आप क्या करिए, सेव फॉर वेब प्लगइन, इस पर क्लिक कर लीजिए। अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो देख रहे हैं जो साइज़ है वो 1.29 KB इतना आ गया। अब आप जैसे जैसे इसको क्वालिटी को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो साइज़ होगी वो क्या होती है कि बढ़ती आएगी। देखो आप देख रहे हैं जैसे मैंने बढ़ाया तो 1.72 हो गया, अब और बढ़ाया तो 1.9 हो गया, और बढ़ाया तो 2.19 हो गया। तो अगर आपका कम है या सही आपका ज़्यादा है उससे, तो आप उसको बीच में लाने के लिए आप इसको कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आप इसको इतना बढ़े जिससे कि वो इस रेंज में भी आ जाए और आपका क्वालिटी भी सही रहे। तो गाइस मेरा ऑलरेडी इसलिए मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप वहाँ से सेव कर लेंगे तो आपका रिसाइज हो जाएगा, मतलब उस रेंज में आ जाएगा। सो गाइस अब मैं क्या करती हूँ, जाती हूँ और मैं अपलोड करती हूँ। तो यहाँ पर अपलोड स्कैन इमेजेस, तो अपलोड स्कैन इमेजेस में मैंने क्लिक किया तो करके देखती हूँ। तो मैंने अपनी इमेज ले लिया, इसको अपलोड करके देखा तो अपलोड हो गया है। नाउ सिग्नेचर, सिग्नेचर के लिए मैम जो सिग्नेचर है वो तो एक्सेप्ट कर लेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिग्नेचर मैंने कर लिया है। अब आप देख सकते हैं अपलोड होने के बाद भी यहाँ पर लिख के आ गया .jpg, तो .jpg लिखा है मतलब आपका सही है फॉर्मेट, आप कर सकते हैं। गाइस मैंने दोनों फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड कर दिया है, नाउ मैं इसे प्रीव्यू कर लेती हूँ, प्रीव्यू पे क्लिक करती हूँ। नाउ गाइस आप प्रीव्यू कर सकते हैं, जैसे कि मेरी फ़ोटो और सिग्नेचर आ गया यहाँ पर। नाउ आई हैव वेरीफाइड माई फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एंड फाउंड करेक्ट, वो कह रहे हैं कि मैंने अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर को वेरीफाई कर लिया है, अब मैं इसे फाइनली अपलोड कर देती हूँ। फाइनल अपलोड पे क्लिक कर दिया, जैसे फाइनल अपलोड पे क्लिक किया तो अपलोड इमेजेस यहाँ पर आ चुकी है मेरी। अब दो स्टेप मैंने अब पूरे कर दिए हैं, अब बचा है गाइस तीसरा स्टेप। तो थर्ड स्टेप क्या है, फ़ी पेमेंट का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यू आर रिक्वायर्ड टू पे एन अमाउंट ऑफ ₹500 टूवर्ड्स एग्जामिनेशन फ़ी, क्योंकि मैंने ओनली पेपर वन को सिलेक्ट किया था तो इसलिए मुझे ओनली ₹500 पे करना पड़ेगा। अगर मैं दोनों को सिलेक्ट करी तो मुझे ₹900 पे करना पड़ता। आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जाएंगे, यहाँ पर आप नीचे देख लेंगे स्क्रॉल करके तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना फ़ी पे करना होगा, ठीक है। तो अब मैं इस पर क्लिक करती हूँ थर्ड स्टेप पे, पे एग्जामिनेशन फ़ी। गाइस इसमें लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट नोट कि अगर आपको अभी भी आपको रिव्यू करनी है अपनी एप्लीकेशन तो आप रिव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए, आप फिर से अपने जो इन्फॉर्मेशन उसको एडिट कर सकते हैं। बट आपको लगता है कि आपने जो भरा हुआ है वो सब कुछ सही भरा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, गो फॉर फ़ी पेमेंट। बट जैसे ही आपने एक बार फ़ी पेमेंट कर दिया उसके बाद आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे, उसके बाद आप करेक्शन तब कर पाएंगे जब करेक्शन के लिए उन्होंने जो अपने वेबसाइट पर डेट दी हुई है तो जब वो डेट आ जाएगी उसी ड्यूरेशन में आप करेक्शन कर पाएंगे। और वहाँ पर उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि जब आप करेक्शन करेंगे तो आपको वैलिड प्रूफ भी देना होगा कि आप क्यों करेक्शन करवाना चाहते हैं, उसका एक वैलिड रीज़न देना होगा। सो गाइस मैं आपसे क्या कहती हूँ कि आप पहले रिव्यू कर लीजिए पूरी एप्लीकेशन को, कहीं कुछ गलती तो नहीं है,
उसके बाद ही आप फ़ी पेमेंट कीजिएगा। तो गाइस मैं तो ऐसी फॉर्म भर रही हूँ सैंपल के लिए, तो मैं गो फॉर फ़ी पेमेंट पे क्लिक करती हूँ। जैसे ही मैं गो फॉर फ़ी पेमेंट पे क्लिक करती हूँ तो ये वेबसाइट मुझे ले जाती है एक नए पेज पे। अब इस पे मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ SBI MOPS। अब देखिए गाइस, यहाँ पर जो फ़ी पेमेंट है वो तीन तरीके से हो सकता है, लाइक नेट बैंकिंग से हो सकता है, अगर आपकी नेट बैंकिंग है तो आप इसके थ्रू फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर ई चालान के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं इसमें सबमिट पे क्लिक करती हूँ। सो गाइस ये सब डिटेल्स आ गई हैं मेरी, अब मैं इस पर क्लिक कर लेती हूँ एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट। सो गाइस ये आपके सामने नया पेज आ गया पेमेंट का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, कार्ड पेमेंट भी कर सकते हैं, या फिर अदर पेमेंट मोड भी कर सकते हैं। अदर पेमेंट मोड मतलब आप ई चालान के थ्रू कर सकते हैं। तो गाइस मैं क्या करती हूँ, आपके लिए जो भी फीजिबल मतलब आपके लिए जो भी आसान तरीका हो आप उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो सबसे अच्छी बात है कि आप नेट बैंकिंग के थ्रू ही अपना पेमेंट कर दीजिए, अगर नहीं है तो आपके पास डेबिट कार्ड होगा या फिर क्रेडिट कार्ड होगा तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप SBI ब्रांच में जाके भी कर सकते हैं। सपोज़ मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं इस पर क्लिक करती हूँ SBI ब्रांच पे। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी गाइस तो मुझे ये मिला हुआ है ये रेफरेंस नंबर इतना, अब वो मुझे दे रहे हैं एक मोबाइल नंबर, फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कोई भी जो आपका मोबाइल नंबर होगा वो आप मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ कर दीजिए, फिर ई चालान को आप डाउनलोड कर लीजिए, फिर आप SBI की ब्रांच में जाइए, वहाँ पर जाके अपना फ़ी पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद गाइस वो आपको रिसीप्ट देंगे, उस रिसीप्ट को भी ले लेना, और यहाँ पर आपका जो रेफरेंस नंबर है ये सब आप सबको नोट करके रखिएगा, क्योंकि अगर आपने नोट करके रखा तो आपको बाद में प्रॉब्लम आ जाएगी। वैसे ही जब आप नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट करते हो तो जैसे पेमेंट होगा तो वो आपको रेफरेंस नंबर देगा, कुछ एक पेज आता है वो 5-6 सेकंड के लिए आता है, तो आप उसकी फ़ोटो ले लीजिएगा फटाफट और उसको आप रख लीजिएगा अपने पास, क्योंकि वो आपका एक प्रूफ होता है पेमेंट का। तो जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो आपके सभी स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या होगा आप इसकी वेबसाइट में देख सकते हैं। फोर्थ स्टेप इस गाइस ये सब जब पेमेंट कर देंगे तो आपके पास एक फाइनल पेज आएगा, तो उस पेज को आप प्रिंट कर लीजिएगा, वो आपका कन्फर्मेशन पेज होगा। कन्फर्मेशन पेज को प्रिंट करना इज़ कंपलसरी, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो गाइस उसको मत भूलिएगा, उस पेज का प्रिंट आउट ले लीजिएगा, बल्कि मैं कहूँगी कि 3-4 प्रिंट आउट ले लो और उसकी PDF की तरह सेव करवा के अपनी ईमेल आईडी पे भी PDF की तरह सेव करके अपनी ईमेल आईडी पे भी उसको आप अपलोड कर सकते हैं, या फिर गूगल ड्राइव पे भी अपलोड कर सकते हैं, उसको आप ज़रूर अपने पास रखिएगा। सिमिलरली मैंने आपको कहा था कि जो प्रूफ होता है मीन्स अगर आप ई चालान के थ्रू करते हैं तो आप ई रिसिप्ट भी अपने निकाल सकते हैं बाद में, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर रहे हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर रहे हैं, तो जब आप पेमेंट हो जाएगा तो एक 5 सेकंड के लिए स्क्रीन आती है, उसमें रेफरेंस नंबर सब कुछ लिखा होता है, तो आप उसकी फ़ोटो ले लीजिएगा फटाफट, बिल्कुल बहुत जल्दी लीजिएगा क्योंकि वो बहुत जल्दी स्क्रीन चली जाएगी, तो उस फोटो का भी बाद में आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और कन्फर्मेशन पेज जो आएगा जो आप पेमेंट कर देंगे उसके बाद, उसकी ज़रूर आप फोटोग्राफ निकालिएगा। सो गाइस ये थी स्टेप बाय स्टेप कैसे आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैंने एक सैम्पल फॉर्म फिलअप किया है, मीन्स आई एम नॉट अप्लाइंग फॉर JEE मेन 2019, क्योंकि मैं ऑलरेडी IIT BHU में एक सीनियर अंडर ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये मैंने आपकी हेल्प के लिए ये एक फॉर्म फिल करके बताया था। सो गाइस ऐसी JEE मेन 2019 से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस, कुछ हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं और बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, और आपकी प्रिपरेशन के लिए भी जो वीडियोस होती हैं लाइक वीडियो लेक्चर्स और भी उसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशनल वीडियोस, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस, हाँ अपने वीडियो लेक्चर्स में भी पूरा चैप्टर आपको पढ़ाते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट बताते हैं और क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाते हैं। सो गाइस आपको यहाँ मिलती हैं बहुत सारी वीडियोस, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे आने वाले हर टाइम में जितना हो सकता है अपनी तरफ से पूरी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी पता चल सके कि एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरह से फिल करना है। सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, और हाँ आपने अगर अभी तक हमारा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया हुआ है तो उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप फेसबुक पेज लाइक करके आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, वो ये
कि अगर आप फेसबुक पेज में कोई भी मैसेज करते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आप कोई भी मैसेज करते हो, तो आपको वहाँ रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, वहाँ से आपकी जो भी डाउट हो उसको आप पूछिए, मैसेज कीजिए, वहाँ से आपको रिप्लाई मिलेगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। उसके अलावा भी फेसबुक पेज में डेली हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस अपलोड करते हैं, जो हमारी टीम में, आप जानते हैं हमारी जो टीम में दूसरे मेंबर्स हैं, वो सभी के सभी क्वेश्चन अपलोड करते हैं। आपके प्रैक्टिस के लिए डेली अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को अपलोड किया जाता है, तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे कमेंट करके आंसर बताते हैं और उन्हें उसका आंसर भी पता चलता है, बहुत सारा डिस्कशन भी होता है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो फेसबुक पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग न्यू एरा ऑनलाइन कोचिंग।